फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली ये थोड़ा सा बेसिक वीडियो है, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो आपको फिर बहुत अच्छी तरीके से ऑप्शन चेन एनालिसिस मालूम होगी। और अगर आपको मालूम है ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या है, फिर भी मैं कहूंगा आप ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगी वॉल्यूम क्या है। मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। और मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एनीवे, वॉल्यूम क्या है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ओके, वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या कह रही है? वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैव चेंज्ड हैंड्स इन वन डे ट्रेडिंग सेशन इन ऑप्शन मार्केट। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग ड्यूरिंग द मार्केट सेशन द हायर द ट्रेडिंग वॉल्यूम। बहुत ही अगर आसान भाषा में कहूं, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज नथिंग बट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मैं एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, वहां पर आपको ये सारा चीज क्लियर हो जाएगी। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सीधा मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। मान लो मार्केट में अभी कोई पोजीशन नहीं है, नया नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ ही है। तो पहला दिन क्या हुआ, या फिर मान लो 10 बजे करीब क्या हुआ, ए एक ट्रेडर है, ये एक ऑप्शन खरीदता है किससे? बी से। बी भी एक ट्रेडर है। आपको तो शायद मालूम ही होगा कि कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ढूंढने के लिए वहां पर बायर भी चाहिए और एक सेलर भी चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन खरीद रहे हो तो एट द सेम टाइम आपको कोई सेल करने वाला चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ए ने खरीद लिया एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड बी ने वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल किया या राइट किया, ठीक है। तो यहां पर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। तो क्योंकि एक नया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, इसलिए ओपन इंटरेस्ट अभी कितना होगा? 1 होगा। और वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम भी 1 ही होगा, क्योंकि यहां पर एक ट्रांजैक्शन हुआ है, बी ने सेल किया, ए ने बाई किया, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है, ए ने बाई किया, बी ने सेल किया, इसलिए ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम एक एक हो गया। अभी दूसरा दिन या थोड़ी देर बाद देखो, तीसरा एक ट्रेडर आया सी, इन्होंने 3-2 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा किससे? डी से, ठीक है। यहां पर भी एक सेलर है, राइटर है और एक बायर है। सी बायर है एंड डी है सेलर। तो यहां पर 3 नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजेक्शन हुआ है। मतलब यहां पर भी नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है, क्योंकि डी ने राइट किया, सी ने बाय किया, इसलिए ओपन इंटरेस्ट कितना होगा? 4 होगा। पहले एक था, अभी नया नया 3 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। सो ओवरऑल या आउटस्टैंडिंग ओआई होगा 4। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम भी 4 ही होगा, क्योंकि पहले एक था, अभी नया 3-2 ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए 4-4 हो गया। अभी लेकिन इंटरेस्टिंग है, अभी थोड़ा ट्विस्ट है। तीसरा दिन क्या हुआ, ए सेल हिज 1 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड डी बायस 1 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ए जो कि एक एग्जिस्टिंग ट्रेडर है, उन्होंने पहले एक ऑप्शन खरीद के रखा है, ठीक है। तो पहले खरीदा था, वो एग्जिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जिट करने के लिए उसको सेल करना पड़ेगा। और किनको सेल किया? डी को सेल किया। डी ऑलरेडी ऑप्शन राइट करके रखा है 3-2 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्होंने भी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट किया। तो पहले सेल किया, बाय करके एग्जिट करना पड़ेगा। तो ए ने सेल किया, डी ने बाय किया, तो यहां पर क्या हुआ? एग्जिट हुआ ना, इसलिए ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज होगा। पहले 4 था, अभी 3 हो गया, लेकिन वॉल्यूम देखो इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहां पर ट्रांजेक्शन हुआ है, चाहे वो एग्जिट किया या एंट्री किया, ट्रांजेक्शन तो हुआ है ना, इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, 5 है, ठीक है। पहले 4 था, अभी एक नया ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ।
तो ओपन इंटरेस्ट आपको अगर नहीं मालूम है क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ओपन इंटरेस्ट, तो इसका ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो एनीवे यहां पर एग्जिट हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज हुआ लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ। अभी चौथा दिन देखो क्या हुआ, ई एक नया ट्रेडर है, ठीक है। इन्होंने तीन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, किससे बाय किया, सी से। तो सी ऑलरेडी एक ऑप्शन होल्डर है, पहले ही इन्होंने तीन टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करके रखा है, तो इन्होंने तो एग्जिट किया, लेकिन वो पोजीशन किसने लिया, ई ने। ई एक नया ट्रेडर है, ठीक है। तो यहां पर ना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ ना डिक्रीज हुआ, क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन ट्रेडर से ट्रेडर का हाथ से दूसरा ऑप्शन ट्रेडर का हाथ में चला गया पोजीशन, इसलिए ओपन इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा लेकिन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर ट्रांजैक्शन हुआ है, तीन टू ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। इसलिए जो वॉल्यूम होगा ओवरऑल वॉल्यूम वो 8 होगा, वेयर एज ओपन इंटरेस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर है। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा, वो क्या क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पॉइंट्स टू रिमेंबर, हम लोग वॉल्यूम क्यों देखते हैं वो आपको जानना जरूरी है कि नहीं। सो वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वेयर एज ओआई इज द आउटस्टैंडिंग पोजिशन। सो जितना ट्रांजेक्शन होगा उतना वॉल्यूम होगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ओआई का केस में ये अलग है। वॉल्यूम ऑलवेज इंक्रीजेस बट ओआई में इंक्रीज और डिक्रीज। आपने यहां पर देखा ना, वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज ही होता है, एक से लेके आठ तक चला गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग ओआई जो है वो कभी कभी इंक्रीज होता है, कभी कभी डिक्रीज होता है और कभी कभी तो सेम ही रहता है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इंडिकेट्स एक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्राइक। कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक में कितना पोजिशन बिल्डअप हो रहा है वो आपको वॉल्यूम से पता चलेगा, ठीक है। मतलब उसमें कितना सारा एक्टिविटी है, अगर आप कौन सा स्ट्राइक खरीदोगे वो आपको ठीक से मालूम नहीं पड़ रहा है तो आप वॉल्यूम देखो। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक में हलचल है तो आपको वो स्ट्राइक चूज करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द लिक्विडिटी। अगर आप राइट स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं करोगे तो फिर पछता सकते हो। कैसे, मैं आपको यहां पर एग्जांपल में दिखा देता हूं। जैसे अभी यहां पर देखो, ये बैंक निफ्टी का मैं ऑप्शन चेन दिखा रहा हूं, ये सारा स्ट्राइक्स देखो, कॉल साइड में देखो 41,700, 800, यहां पर वॉल्यूम भी नहीं है और ओआई भी नहीं है। तो यहां पर अगर आप ट्रेड करोगे ना तो फंस जाओगे, क्योंकि अगर आपने बाय चांस बाय कर भी लिया तो सेल करने वक्त आपको कोई कस्टमर नहीं मिलेगा। एंड ऊपर से और एक चीज आपको ध्यान देनी है, वो यहां पर देखो बीड और आस्क प्राइस का बीच में डिफरेंस क्या है। 2,354 रुपीस का आस्क प्राइस है और बीड प्राइस कितना है, 2,271, मतलब 80 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो यहां पर अगर आप खरीदारी करते हो और तुरंत ही बेचते हो फिर भी आपको 80 पॉइंट्स का लॉस होगा, ठीक है। इसलिए आपको वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम ही नहीं है इसलिए बीड और आस्क प्राइस का जो स्प्रेड है वो बहुत ही वाइड है, इसलिए आपको लिक्विड स्ट्राइक ही देखना है, ठीक है। ओके, ये चौथा पॉइंट्स गया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रो ट्रेडर्स, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है, जो हमेशा मार्केट में ट्रेड करते रहते हैं, दे कंसिडर वॉल्यूम फॉर कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेंड। अभी फिर से मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ऑप्शन चेन में देखो, आज बैंक निफ्टी बहुत तेजी से गिरा है कि नहीं, देखो करीब 10:30 बजे से अभी तक गिर ही रहा है और इसका इंडिकेशन आपको ऑप्शन चेन में मिल रहा है। और ऑप्शन चेन में कौन सी कॉलम में मिल रहा है, इधर देखो, ये जो वॉल्यूम वाली कॉलम है ना, यहां पर देखो वॉल्यूम क्या है, ट्रिमेंडस वॉल्यूम, 1,40,00,000 का वॉल्यूम है, 1,02,00,000 का वॉल्यूम है, तो ये ह्यूज क्वांटिटीज में है। यहां पर पुट ऑप्शंस में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, और बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट को गिरना ही था।
है कि नहीं। तो इसलिए वॉल्यूम को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना है जब आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हो। तो बाय द वे यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर मेरी एक बुक ही है अमेजन पर। ये बुक बेस्ट सेलर था 2021 में अमेजन पर। तो अगर आप ऑप्शन चेन सही तरीके से जानना चाहते हो, ये बुक आप ले सकते हो। यहां पर सिर्फ ऑप्शन चेन एनालिसिस ही नहीं, FII DII का डेटा कैसे एनालाइज करते हैं, जैसे वो लोग इंडेक्स में लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, वो आपको ये डेटा से मालूम पड़ता है। और ये डेटा कैसे मिलेगी और कैसे प्रोसेस करना है, इसका ऊपर भी पूरा विश्लेषण किया गया है। तो उस किताब में आपको ये सारा चीज भी मिल जाएगी। एंड अगर आप वीडियो कोर्स के द्वारा सीखना चाहते हो तो ऑप्शन चेन एनालिसिस बोल के मेरा एक कोर्स भी है, यूडेमी पर अवेलेबल है, ऑप्शन चेन एनालिसिस इन हिंदी, द सिटी स्कैन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। ये भी यूडेमी का बेस्ट सेलिंग कोर्स है, यहाँ पर भी सेम चीज बताया गया है लेकिन यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग लेके सीरियस हो तो आप ये कोर्स ले सकते हो। सो एनीवे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ऑप्शन एनालिसिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।